मेवात जिले के भपावली गांव में एक दूसरे गुटों में एक डबल मर्डर कांड सामने आया है। यहां तक कि बीते वर्षों से चल रही दो गुटों में आपसी रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। एक दूसरे गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मामला यहां तक भी नहीं थमा, एक गुट ने दूसरे गुट के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, वही दूसरे गुट ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में दोनों गुटों की शिकायत पर दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है तथा दूसरे का शव अलापिया हॉस्पिटल माटीखेड़ा में शव मोर्ची में रखवा दिया गया है। दूसरी जोहर पर से उठा लिया, फिर इसको मार डाला जी। हम पे अब सूचना मिली, पता पड़ा जी। आप किसने सूचना दी, कैसे दी, कहाँ मारा, कैसे मारा? ऐसा जी, हम या मैं इसमें ऐसा है जी, पुलिस को भी कॉल किया है कि 1 बजे गया है ना, इसको पता चला नहीं, जब सपात को उठ गया, पुलिस को कॉल भी करा है, पर हमें नो पता ना चला कब पुलिस लेगी इन पैसे आए, हमें इस बात से पता नहीं है। ये गुंडा आदमी है जी, इनको वहीं कोई नहीं जाता। क्या मामला, गांव के हैं बाहर के हैं? गांव के, यहाँ जी दबंग आदमी है, ये गुंडा पार्टी है, सरपंच ने पावर फुल दे रखा है, सरपंच खुद गेले। क्या नाम उन लोगों के? तो पूरे इनके नाम तो बता नहीं सकता जी, मैं कुछ इनके नाम बता सकता हूँ। फखरुद्दीन सरपंच, उसके अर्शिदा उसकी भाई की घर वाले सरपंच है, और ये लड़के साफी रहे। कितने दिन से ये रंजिश चली आ रही, किस बात को लेकर? रंजिश तो जी चलते रहते हैं गांव में, झगड़ा तो इससे इनसे हमारा। कितने दिन से? 10-15-20 साल। बीती रात को पुलिस को सूचना मिली थी गांव भपावली में अपहरण कर लिया है एक व्यक्ति का, और चोटें भी मारी हैं। जो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, एक व्यक्ति इंजर्ड था, उसको उसी समय हॉस्पिटल ले आए, तो डेड डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने। दोनों अलग अलग मैटर हैं, दोनों मामलों पर सेपरेट कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज की जा सकती है। कितने लोगों के खिलाफ होते FIR दर्ज? उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी है उन सभी के खिलाफ FIR की जा सकती है। सारे लोग भपावली के हैं, गाँव के हैं, बाहर के हैं? भपावली के भी हैं, उनमें बाहर के भी लोगों के नाम आए हैं। मर्डर को लेकर किस प्रकार की शंका जताई जा रही है, क्या मामला हो सकता है? इनका आपस में पुरानी रंजिश है, उन रंजिशों को लेकर के आपस में ये इस प्रकार का घटना को अंजाम। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया है? अभी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे की कार्रवाई जारी।